नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीएड प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। प्रो कबड्डी के तर्ज पर होगा बिहार में कबड्डी लीग फॉर्मेंस। जान ले आज के मौसम का हाल। युवाओं को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने की बड़ी घोषणा। 17 साल बाद निकोलस पुरन ने दोहराया यूवी का कारनामा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएड प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री के नामांकन के लिए होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड सोमवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आईडी व पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट से लॉगिन करके प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि 25 जून को होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र की 2 प्रतियां रखनी होगी। जान ले आज के मौसम का हाल। मॉनसून के आगमन से पहले बिहार में भीषण गर्मी का दौर जारी है। आज मंगलवार को मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत 9 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को भी राज्य के कई इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। वहीं कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों में गर्म दिन की स्थिति बनी रहेगी, जबकि उत्तर बिहार में 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। आपको बताते चले कि आईएमडी के अनुसार 20 से 21 जून तक मॉनसून के आने की संभावना है। प्रो कबड्डी के तर्ज पर होगा बिहार में कबड्डी लीग फॉर मेंस। बिहार में कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बिहार राज्य कबड्डी संघ द्वारा बिहार कबड्डी लीग फॉर मेंस करने का निर्णय लिया गया है। आयोजन का चेयरमैन कुमार विजय सिंह को बनाया गया है, जिन पर आयोजन के सफल संचालन की जिम्मेवारी रहेगी। इस लीग का आयोजन कबड्डी प्रो लीग के तर्ज पर होगा और लीग में 6 टीम भाग लेगी। टीमों के गठन के लिए सिलेक्शन ट्रायल 23 और 30 जून को 6 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। नीट प्रवेश पत्र लीक मामले में अब तक हुई 60 लोगों से पूछताछ। नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में जांच कर रही ईओयू की टीम अब तक करीब 60 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें करीब 5 लोग बिहार के बाहर से भी हैं। तो साथ ही इस फहरिस्त में 13 लोग ऐसे हैं जिन्हें मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अब 18 और 19 जून को उन छात्रों से पूछताछ की जानी है जिनकी जानकारी कई प्रयास किए जाने के बाद एनटीए द्वारा ईओयू को मेल के जरिए सौंपी गई है। आज 18 जून और कल यानी 19 जून को मिलाकर कुल 9 छात्रों से पूछताछ की जाएगी। इनमें कुछ छात्र महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के भी बताए जा रहे हैं। पूछताछ में छात्रों से यह जानने की कोशिश की जाएगी कि उन्हें प्रश्न पत्र कहाँ से मिले थे और किसने मुहैया कराए थे। साथ ही इस पूरे मामले में किन किन लोगों द्वारा उन्हें मदद दी गई, ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। युवाओं को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने की बड़ी घोषणा। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। वहीं पटना पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने उन पर भरोसा जताते हुए जनता से जुड़े MSME जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा की है और बहुत जल्द ही पूरे देश में हर स्तर पर मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि MSME के तहत बिहार में भी उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की तरक्की होगी। कोसी बराज के 16 फाटक खुले, निचले इलाकों में अलर्ट। एक तरफ बिहार में भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है, वहीं नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बिहार से गुजरने वाली कई नदियां उफान पर हैं। जानकारी के अनुसार कोसी नदी के जलस्तर में इस साल सर्वाधिक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में निचले इलाके के लोगों को पानी घुस जाने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोसी नदी के कोसी बराज स्थित कंट्रोल रूम से सोमवार के शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार नदी का जलस्तर 95,435 क्यूसेक के स्थिर अवस्था में दर्ज किया गया है, जिसके साथ ही कोसी बराज के 56 में से 16 फाटक खोल दिए गए हैं। 53 लाख खाते से गायब, साइबर ठगी का अनोखा मामला आया सामने।
बिहार के अररिया जिला से हैरान करने वाला साइबर ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल जिला मुख्यालय से सटे गैयारी गांव निवासी के एक महिला के खाते से अचानक 53 लाख रुपए गायब हो गए और हैरानी की बात यह रही कि न महिला के फोन पर कोई ओटीपी आया और न ही खाते से पैसे कटने का कोई मैसेज। जब महिला अपने अकाउंट को अपडेट करने बैंक पहुंची तब उसे साइबर ठगी का पता चला, जिसकी शिकायत उन्होंने पहले बैंक अधिकारियों से की, उसके बाद साइबर थाना में मामला दर्ज कराया गया। अररिया में चिड़ियाघर बनाने के प्रस्ताव पर जुलाई में मिल सकती है मंजूरी। वन विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी के लिए इसी महीने बैठक की जाएगी, जिसके बाद बिहार में सबसे बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के लिए दिल्ली स्थित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से जुलाई में अनुमति मिल सकती है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा CZA को 3 प्रस्ताव दिए गए थे, जिनमें से एक पटना जू में शिशु ट्रेन के परिचालन की मंजूरी भी मांगी गई थी, जिसे पिछले महीने ही स्वीकृति दे दी गई थी। दूसरा प्रस्ताव था अररिया के रानीगंज में 289 एकड़ में चिड़ियाघर की स्थापना करने का, जिस पर CZA द्वारा इसी माह बैठक की जाएगी। उसके बाद जुलाई महीने में इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है। PM के आगमन से पहले नालंदा में तैयारी तेज। 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए बिहार आ रहे हैं। वहीं PM मोदी के आगमन से पहले नालंदा में सोमवार को कार्यक्रम को लेकर हेलीकॉप्टर का रिहर्सल किया गया। नालंदा खंडहर भ्रमण को लेकर यह रिहर्सल किया गया। वहीं नव नालंदा महाविहार परिसर में 3 हेलीपैड स्थल बनाए गए हैं, जबकि नालंदा मोड़ से लेकर खंडहर तक बैरिकेटिंग की गई है। बता दें कि 19 जून को PM मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो परिसर का शुभारंभ करेंगे, फिर परिसर में ही पौधारोपण कर खंडहर भ्रमण के लिए जाएंगे। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर राजद के नेता का बयान। राजद के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि वर्तमान में अंग्रेजी शासनकाल से भी अधिक असमानता देश में है। उन्होंने कहा कि अभी देश दुनिया के लोग मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में हो रहे फिजूल खर्ची को देख रहे हैं। शादी जुलाई में है, जबकि उत्सव महीनों से चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अमीरी दिखाई देती है, लेकिन देश के कर्ताधर्ता गरीबी देखना नहीं चाहते हैं। बीमा भारती ने तेजस्वी यादव से की मुलाकात। रुपौली से 5 बार की विधायक बीमा भारती ने अपने पति अवधेश मंडल के साथ मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की और साथ ही संकेत भी दिए कि इस बार रुपौली विधानसभा उपचुनाव में राजद का प्रत्याशी कौन होगा। बीमा भारती ने दावा किया कि उनके परिवार के लोग ही राजद उम्मीदवार के तौर पर रुपौली विधानसभा उपचुनाव में उतरेंगे। वहीं उन्होंने दावा किया कि आज शाम उन्हें सिंबल भी मिल जाएगा। चिराग पासवान पर फिदा हुई भोजपुरी एक्ट्रेस। लोजपा रामविलास के चीफ चिराग पासवान की लोकप्रियता इन दिनों बढ़ रही है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद से ही चिराग चर्चा में बने हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर चिराग की तस्वीरें और वीडियो काफी वायरल भी हो रही हैं। वहीं अब एक भोजपुरी एक्ट्रेस निशा दुबे ने चिराग को सरेआम सोशल मीडिया पर प्रपोज कर दिया है। निशा दुबे एक भोजपुरी एक्ट्रेस हैं और उनकी उम्र 25 साल है। उन्होंने चिराग पासवान का एक वीडियो शेयर करते हुए अपने दिल की बात का इजहार किया। तेजस्वी कभी नहीं बनेंगे CM, डिप्टी CM विजय सिन्हा का बयान। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। विजय सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव कभी भी जनादेश हासिल कर CM नहीं बनेंगे। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव हर दिन चोर दरवाजे से घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी वो पकड़े जाते हैं तो कभी उन्हें ठेल दिया जाता है। बिहार में वैकेंसी पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा। बिहार सरकार द्वारा अगले 1 साल में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 11 लाख लोगों को रोजगार देने का निर्णय लिया गया है। वहीं अब इसे लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए नीतीश सरकार पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के एक बयान को याद दिलाते हुए कहा कि याद रहे कि यह वही NDA और मुख्यमंत्री है जो कहते थे कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देना असंभव है। इतनी नौकरियों का पैसा तेजस्वी कहां से लाएगा। 17 साल बाद निकोलस पुरन ने दोहराया UV का कारनामा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 40वें मैच के दौरान वेस्टइंडीज के धाकर बल्लेबाज निकोलस पुरन ने अपने बल्ले से 17 साल पुराने कारनामे को दोहराकर युवराज सिंह और रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई के एक ही ओवर में 36 रन बटोर कर निकोलस पुरन ने इतिहास रच दिया। हालांकि निकोलस पुरन मैच में शतक जड़ने से महज 2 रन से चूक गए और 98 रन बनाकर आउट हो गए।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद असगर कमल, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, शिवम, अनुपम कुमार, सतीश कुमार, उदय प्रसाद, अंशु कुमारी, रोशनी कुमारी, नेहा कुमारी, अजीत कुमार, उमेश ऋषिदेव, राम शंकर सिंह, संजीव कुमार, खुशी कुमारी, गोनर शर्मा, गोपाल ठाकुर, विनोद मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, नौसाद रजा, अनामिका कुमारी, अनवर करीम खान, वेद प्रकाश सिंह, रोमा कुमारी, राम बाबू दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में रोजगार का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।